हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक कपलिंग। देखिए, किसी भी अपन कहें कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, अगर उस ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है या ऑर्बिटल से भी रिलेटेड कह सकते हैं कि अगर स्पिन मोमेंटम हो रहा है, ऑर्बिटल मोमेंटम हो रहा है, अगर वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो जुड़ते हैं और या कपलिंग कर लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके अलग अलग तरीके के जो है आपके कपलिंग है वो शो की जाती हैं। जनरली अपन ने जो है SS कपलिंग देखी, इसके अलावा अपन ने टाइप्स देख रहे हैं SS कपलिंग, LS कपलिंग और ये आपकी LS कपलिंग। देखिए, इससे रिलेटेड अपन ने जो फर्स्ट कपलिंग है SS कपलिंग, कि जब जो स्पिन है सिर्फ वही क्या हो रहा हो, किसी ऑर्बिटल के अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो रहा हो और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो SS वाले यानी जो स्पिन आपका एंगुलर मोमेंटम जो बनाया जा रहा है वो क्या करे, कपलिंग कर ले, और उसके फलस्वरूप जो है अपन क्या करेंगे, किसी भी ट्रांजिशन के लिए अपन फॉरबिडन टाइप का और अलाउ टाइप का यहाँ पर शो करते हैं। आज अपन यहाँ पर इसी का सेकेंड टाइप बात करने वाले हैं, जो क्या है आपके LL कपलिंग, और उसके बाद अपन थर्ड बात करेंगे LS कपलिंग। तो सबसे पहले देखिए LL कपलिंग की बात करें, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इस पद को अपन यहाँ पर स्टेप को एक्सप्लेन करें, तो अपन को पहली चीज़ अपने को ये पता होनी चाहिए कि भी अगर यहाँ पर भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो क्या हो, अलग अलग हो, मतलब पृथक पृथक अगर वो उपस्थित हो, तो क्या बताया गया है कि अगर आपका जो ऑर्बिटल मोमेंटम आपका है अगर बनाया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ कक्षीय गति ही क्या होती हो, अगर आपके संपन्न होती हो और वो फिर क्या करे, कपलिंग कर लेती हैं, तो यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू है, यहाँ पर जो परिणामी मान है वो कक्षीय कोणीय संवेग है वो कहलाता है। यहाँ पर कैसा कहलाएगा, कक्षीय कोणीय संवेग कहलाएगा, जिसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि अपन इसके लिए L की वैल्यू है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी L की वैल्यू किस तरह से लिखी जाती। अब देखिए, यहाँ पर जैसे SS कपलिंग के अंदर अपन ने देखा था कि अपन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है S इक्वल टू S1 प्लस S2 L आपके S1 प्लस S2 माइनस 1 और माइनस 2 और फिर S1 प्लस S2 उस तरह से एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर भी इसी से रिलेटेड हैं वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपकी जो L वैल्यू है किसके अंदर एक्सप्लेन करें कि आपकी क्या हो रही हो, LL कपलिंग अगर आपकी हो रही है, तो यहाँ पर अपन L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 माइनस 1 L1 प्लस L2 माइनस 2 और लास्ट वैल्यू अपन इसको एक डैश डैश करके L1 माइनस L2 के रूप में लिखते हैं कि यहाँ पर जो है वो मोशन कैसा हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन है, कि भाई यहाँ पर कक्षीय गति ही क्या कह रही है, संपन्न हो रही है और इसके द्वारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो बनाया जाता है, और ओवरऑल जो आपका एंगुलर मोमेंटम बनाया जा रहा है उसको अपन किससे लिख रहे हैं, L से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू लिखते हैं और अपन यहाँ पर इसको इसके द्वारा अपन यहाँ पर वैल्यू लिखकर किसी भी ऑर्बिटल के लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि P2 के लिए
जो मान है, जो वैल्यू है, वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं P2 के लिए, जो L वैल्यू है अपन वो यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसको अपन अगर एक्सप्लेन करते हैं तो जनरली अपन इसको द्विगुंछी क्वांटम संख्या के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है किसका है, द्विगुंछी क्वांटम संख्या से रिलेटेड ले सकते हैं। ये जनरली क्या करेगी, किसी भी ऑर्बिटल हैं उसको बताएगी कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एल आपका एफ ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर बात करें कि इनके लिए जो एल वैल्यूज़ हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करें, तो जनरली एस के लिए 0, पी के लिए 1, आपके जो डी है उसके लिए 2 और जो एफ है उसके लिए 3, ये वैल्यू आपके आती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि अपने पास पहले से क्या वैल्यू अपने को यहाँ पर पता चल गई कि डी और एफ, अब इनके लिए वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये वैल्यू इनके लिए आती है। अब यहाँ पर अपन किसके लिए बात करें, पी ऑर्बिटल्स के लिए, तो पी ऑर्बिटल्स के लिए अपन एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पी ऑर्बिटल के लिए जो एल वैल्यू है वो अपने पास क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ से अपने को एक वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को अपन इस जो आपका ऑर्बिटल कोणीय संवेग है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें अपन यहाँ पर इसकी एल वैल्यू है वो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले L1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1+1, ठीक है, फिर 1+1-1, और या तो अपन बीच वाली वैल्यू लिखें या फिर सीधा अगली वैल्यू लिख दें, तो यहाँ पर 1-1। तो यहाँ पर अपन P2 के लिए ओवरऑल जो वैल्यू है वो अपन क्या लिख सकते हैं, L वैल्यू 2, 1, 0, ये वैल्यू P2 के लिए आपने यहाँ पर आती है। जिसके लिए अपन ने L वैल्यू है वो क्या कहा, 0, 1, 2, अगर L वैल्यू 3 इस तरह से आती है, ठीक है, तो अपन उसको एस पी डी और एफ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन इस आधार पर क्या कह सकते हैं, किसी भी जो है ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू अपन लिखेंगे, तो एल वैल्यू 2, 1 और 0 ये इस तरह से एक्सप्लेन होती है। अब इसको अपन इस तरह से लिखें कि अपन एल इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, ठीक है, 2, 3, यहाँ पर अपन इसको स्टेप सिंबल के रूप में लिखेंगे, तो स्टेप सिंबल में अपने यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा S, अगर यहाँ पर आपका P है ये हो जाएगा, और D है 0 और ये आपका F। जनरली मैंने इसी वैल्यू को अब किस रूप में ले लिया, L वैल्यू के रूप में ले लिया P2 के लिए। अब यहाँ पर अपन बात कर सकते जो P2 है उसके लिए जनरली जो है यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है या अभिविन्यास है या इसका कॉन्फ़िगरेशन कहें, तो यहाँ पर इसका विन्यास आपको दो तरीके से देखने को मिल, आपके तीन तरीके से देखने को मिल सकता है, या तो S, P और D के रूप में। देखिए यहाँ पर L वैल्यू क्या है, 2, 1, 0, 0 है तो आपका S है, 1 है तो P है और D, तो मतलब ये जो ऑर्बिटल्स हैं P2 के लिए अपन बात कर रहे हैं जनरली जो है यहाँ पर किससे रिलेटेड हो सकते हैं, P2 के लिए S, P और D, ये तीनों ही ऑर्बिटल्स क्या हैं इससे संबंधित हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर यही चीज़ अगर अपन किसके लिए पुट अप करें,
D2 के लिए, कि अगर यही वैल्यू अपन D2 के लिए लिखें तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि D के लिए अपन यहाँ पर डिस्कस करें तो D इक्वल्स टू क्या होगा आपके कि D के लिए जो वैल्यू है वो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर अपन किसके लिए लिखे डी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले L इक्वल्स टू इसके लिए क्या आता है आपका 2 आता है। इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे इसका ऑर्बिटल जो मोशन है उसके हिसाब से लिखें, यहाँ पर L1 लिखें या मैं सीधे इसकी वैल्यू वैसे लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 2 प्लस 2, फिर वापस 2 प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए अगर यहाँ पर अपन D के लिए बात कर रहे हैं तो अपने को अब ये भी शामिल करना होगा, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस 2 और लास्ट आपका 2 माइनस 2। तो यहाँ पर जो अब है अपन D के लिए जो वैल्यूज़ है वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर L वैल्यूज़ हैं वो आपकी 4, ये आपके 3, उससे 2 और लास्ट आपकी वो क्या आ जाएगी ओवरऑल टोटल 0। अब यहाँ पर देखें इसके लिए अपन यहाँ पर जो है वो सिंबल लिखें, ठीक है, तो सिंबल के हिसाब से अपन यहाँ पर बात करें तो 4 के लिए बात करें, इसके लिए बात करें यहाँ पर और 0 के लिए, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर 0 के लिए बात करते हैं क्योंकि जनरली यहाँ पर आपका कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं आया है, दो तीन हो गए, सॉरी एक पद और इसमें कम रह गया, ये वाला है 2 प्लस 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस 2, तो यहाँ पर एक और हो गया 1 और 0। अब यहाँ पर लिखते हैं तो सबसे पहले L वैल्यूज़ लिख रहे हैं, अगर L इक्वल्स टू 0 है तो ये आपका किसको ऊपर से S ऑर्बिटल को दिखाएं, P है 1 है तो P को शो करेगा, 2 है तो आपको किसको करेगा D को शो करेगा, अगर F है तो यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल को शो 3 है तो किसको करेगा F। अब यहाँ पर एक नया और सिंबल है कि भी अगर L इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर जनरली इसको G के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है और यहाँ पर अपन इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि किसी भी उपकोश में अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या हो 0 आपके अर्धपूर से कम हो, मतलब अनपेड कंडीशन है उस अनपेड से कम हो, जैसे मैं यहाँ पर पी ऑर्बिटल एक बार इधर ही बना रहा हूँ, इसमें 3 उपकोश हैं, इन 3 उपकोश में अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है अनपेड कंडीशन अर्धपूरित अवस्था। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूँ तो ये क्या है इससे कम इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, तो क्या बताया गया है इसके लिए सबसे जो जे वैल्यू है वो क्या आती है सबसे कम आती है, ये वैल्यू इसके लिए क्या है कम है पहली बात। दूसरी इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है उसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि लोअर एनर्जी पर ही इसमें ट्रांजिशन हो जाता है और लोअर एनर्जी पर ही
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। अगर यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन होती या अनपेयर्ड अवस्था होती कि यहाँ पर या तो पूर्ण भरे हुए हैं या फिर आपके एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में व्यवस्थित है, तब आपकी ऊर्जा यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ती। इसके अलावा कुछ बात और करें कि यदि यहाँ पर जो उपकोष है उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनपेयर्ड की तुलना में क्या हो, अधिक हो, अभी तो कम की बात कर रहे थे तब तो ये दिख रहा था, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके लिए जो जे वैल्यू है ये भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। पहली बात तो कि इस पद में आपको जो अवस्था देखने को मिलेगी उसके लिए जे वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। और साथ में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जे वैल्यू उच्चतम आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा है निम्नतम अवस्था में होगी। यहाँ तो कम ऊर्जा के लिए है, यहाँ पर क्या होगी, ये निम्नतम ऊर्जा की, कैसे कि जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, अगर वापस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और वितरित हो जाए फिर भी तो यही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है लेकिन पेयर्ड हो गया एक, अनपेयर्ड तो दो ही बचे, तब भी क्या है कि यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा अवस्था है वो आपके देखने को मिलेगी। इसीलिए जब D2 का अपूर्ण विन्यास या आपके अपूर्ण भरा हुआ होता है तो ये जनरली जो आपका 3F2 है इससे क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाला देखने को मिलेगा। ये इससे किस कंडीशन में होगा, निम्नतम अवस्था का देखने को, मतलब D2 निम्नतम अवस्था में है 3F2 की कंपेयर में। तो इस तरह से क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से अपन LL कपलिंग के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसमें आपका जो इसमें थर्ड टाइप है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, LS कपलिंग। अब LS कपलिंग के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी जा रही हैं ये तो पहले तो लिखी थी अपन ने स्पिन वैल्यू के आधार पर, दूसरी लिखी है आपके ऑर्बिटल वैल्यू के आधार पर कि यहाँ पर इसके द्वारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनाया गया है। अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ कपलिंग कर लेती है, जैसे ये आपका ऑर्बिटल के लिए और ये आपके स्पिन के लिए, ठीक है, आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं, तो कपलिंग के फलस्वरूप यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू है उसको अपन क्या कह देंगे, कैपिटल जे के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। किसके रूप में करेंगे, इन दोनों का ओवरऑल वैल्यू, इनका द्वारा ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम जो बनाया जा रहा है जिसमें क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है, उसको किसके द्वारा लिखेंगे, जे वैल्यू के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो इनका ओवरऑल जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और आपका ओवरऑल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो इसका युग्मित होता है उसके फलस्वरूप आपका यहाँ पर कोणीय संवेग है वो बनाया जाता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो कोणीय संवेग बनाया जाता है जे के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर, तो इसको L प्लस S, ठीक है, दूसरा L प्लस S माइनस 1 और लिखें तो
एल प्लस एस माइनस टू और लास्ट में एल माइनस एस के रूप में लिखा जाएगा, एल माइनस एस इसके रूप में इसको एक्सप्लेन किया जाता है या इसको लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपन जो एल एस कपलिंग है, जनरली ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की ओवरऑल जो वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ कपलिंग करती है, एक दूसरे के साथ जुड़ती है और जुड़ने के फलस्वरूप इसके द्वारा जो इसकी एंगुलर मोमेंटम, जो परिणामी आपका कोणीय संवेग है वो बनाया जा रहा है। और ये परिणामी जो कोणीय संवेग है वो किसके द्वारा, जे के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर जे की वैल्यू सेम उसी प्रकार ले लिए जैसे पहले अपने एस एस के लिए कपलिंग के लिए ली थी, एल एस आपके एल एल के लिए ली थी, अब यहाँ पर अपन इसको ओवरऑल के ले रहे हैं। तो यहाँ पर एल प्लस एस, एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू और लास्ट में एल माइनस एस के रूप में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर भी अपन किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये कपलिंग वैल्यू रख कर क्या कर सकते हैं, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम काउंट कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कपलिंग, या फिर अपन इसको जनरली शॉर्ट में लिखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक कपलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये था आपके इससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन को नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर अपन इससे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो अपने वीडियो के अंदर अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और इस वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।